Good morning to you all. Today's morning hukumnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Raag Todi Ang 711 of Shri Guru Granth Sahib Ji. When Shri Guru Ram Das Ji ascended the Gurugaddi and he became the fourth Guru, Baba Buddha Ji, the Brahmgyani, came to him and humbly asked him that Sadguru, who is the most beloved to you in this world? You love above all. Shri Guru Ram Das Ji sharing his deep love and blessings of the Lord. Sat Naam Shri Vaheguru Sahib Ji Ikyumkar Sat Naam Karta Purak Nirpao Nirver Akal Murat Juni Saipang Gur Parsad One Universal Creator God. Truth is the name, creative being personified. No fear, no hatred, image of the undying, beyond birth, self-existent by Guru's grace. Raag Todi Mahalla Chautha Kar Pehla हर बिन रह ना सके मन मेरा विदाउट द लॉर्ड माई माइंड कैन नॉट सर्वाइव मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न पवजल फेरा रहाओ इफ द गुरु यूनाइट्स मी विद माई बी लव लॉर्ड गॉड माई ब्रेथ ऑफ लाइफ देन आई शैल नॉट हैव टू फेस द व्हील ऑफ री इनकारनेशन अगेन इन द टेरिफाइंग वर्ल्ड ओशन मेरे हियरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ हेरा My heart is gripped by a yearning for my Lord God, and with my eyes I behold my Lord God. Sadguru Dayal, Har Naam Dridaya, Har Padar, Har Prabh Kera, the merciful true Guru has implanted the name of the Lord within me. This is the path leading to my Lord God. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. देयर वाज दिस वुड कटर जो एक कंपनी में काम करता था और दिन रात स्लॉग करता था वो लकड़ी काटता था इन द सन स्वेटिंग इट आउट और बहुत मेहनत करता था कुछ टाइम बाद कंपनी ने एक और वुड कटर को एम्प्लॉय कर लिया वो भी उतना ही काम करता था बट ही यूज टू कट मोर वुड और जिससे उसकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेटर होती थी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी रेज्ड हिज सैलरी अब जो पहला वुड कटर था वो कंपनी से जाके कंप्लेंट करता है वो कहता है मैं तो इतना पुराना यहाँ काम कर रहा हूँ एंड आई एक्चुअली वर्क सो मच हार्ड स्टिल आपने मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई द कंपनी सेड दैट वी आर अ प्रोडक्शन कंपनी हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो आप भी उतना ही परफॉर्म करके बताओ आपकी भी आउटपुट अगर उतनी ही होगी तो हम आपकी भी सैलरी बढ़ा देंगे सो द फर्स्ट वुड कटर ही उसने और ज्यादा स्लॉग करना शुरू कर दिया ही हिट हार्डर एंड हार्डर टू कट मोर ट्रीज बट ऑल इन वेन उससे वैसा ही परफॉर्मेंस हुई नहीं जैसा कि नया वाला वुड कटर कर रहा था सो हार के वो उस वुड कटर के पास गया उसने कहा दैट हाउ डू यू परफॉर्म सो वेल ही सेड बिकॉज आफ्टर एवरी लिटिल वर्क थोड़ा सा काम करने के बाद आई टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स मैं क्यों वो 5 मिनट्स की ब्रेक लेता हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू शार्पन माई सॉ सो Do you sharpen your saw? Sharpening your saw means that choti choti breaks din mein liya kare where we connect to the Almighty. To usse kya hota hai hamara jo body aur mind dono recharge ho jate hain. Because that is the sign of elevating our consciousness. What we require is we need to elevate our consciousness. So it's very important to take small breaks in between where you need to sharpen your saw. उससे क्या होगा आपका आपके काम बेटर होगा आपका माइंड अच्छा रहेगा आप फ्रेश रहोगे बिकॉज देर सो मच टू डू क्राइसिस मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट होम इन द ऑफिस इंसान तो भागता ही फिर रहा है सो It's so important कि छोटी छोटी breaks लेके you need to elevate your consciousness.
तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं। आज पूरे दिन में आप जो जो भी काम कर रहे हो, 5 मिनट की छोटी छोटी ब्रेक्स लीजिए और उसमें ट्राई टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी थ्रू मेडिटेशन, जस्ट सिटिंग एंड छोटी छोटी प्रेयर्स। जो भी आप प्रेयर करते हो आप उनको कीजिए एंड देन सी हाउ योर डे गोज एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। टेक केयर, बी हैप्पी, बी बैलेंस्ड। वाहे गुरु।